राधे कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जानकी वल्लभ श्रृंगार। और वीकेंड के बाद की सुबह है आज, सोमवार की सुबह। सुबह के बजे थे 6:15 और धूप हल्की हल्की सी निकल आई थी। सुबह का काम वैसे ही होता है जैसे कि हमारा रूटीन में है, सुबह का झाड़ू लगाना, बाकी हल्की सफाई करना और बाहर की सफाई करने के साथ साथ बाकी की चीज़ें बाहर की करना। लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा हमें अपनी सुबह की जो शुरुआत होती है वो सफाई से ही करनी चाहिए। और इस तरीके से सबसे पहले मैं बाहर की सफाई करने के बाद ही बाकी के काम करता हूँ। धूप बहुत अच्छी निकली थी, बहुत कोहरा नहीं है। ठंड अगर दिसंबर की बात की जाए तो दिसंबर में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, या तो जनवरी की ठंड होती है। तो बस अब मैं आ चुका हूँ गाय के पास और अब यहाँ की सफाई शुरू करते हैं। सफाई शुरू करने के बाद सबसे पहले हम तो गाय का गोबर सबसे पहले बाहर करते हैं, जो भी हमने ये एक रात पहले हम उठा करके रख देते हैं कि ताकि सुबह ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और अब सुबह जो हुई होगी उसको भी साफ़ कर लेंगे, साफ़ करने के बाद बाकी के काम करेंगे। सुबह बाहर की सफाई के बाद फिर गाय की सफाई और गाय को चारा देना, ये सबसे पहला रूटीन है। जिस भी घर में गाय होती है उस घर का सबसे पहला रूटीन मुझे लगता है यही होता है कि सबसे पहले भाई हम अपने घर की सफाई करें और जो गाय हमने पाल रखी है उनकी सेवा करें। गौ सेवा तो बहुत उत्तम होती है, तो मन में यही विचार करके हर काम को करिए पॉजिटिव वाइब के साथ। और जहाँ तक मैंने सुना है, चूँकि गाय रखना भी एक बहुत ही अच्छा काम है, पशु की सेवा करना भी अच्छा काम है, स्पेशली गाय की तो है ही। और ये रहा हमारा छोटा सा खेत। ये गाय की गोबर की खाद है, जो हमने खाद जो भी हम गाय का गोबर इकट्ठा करते हैं। और ये हमारा खेत जिसमें हमने छोटी थोड़ी हरी सब्जियां बोई थी। और ये हमारे नल का पानी नहाने के लिए। और यहाँ पे हमने पूजा की थाल कर ली है तैयार। और अब पूजा की थाल तैयार होने के बाद हम यहाँ पर फूल तोड़ लेंगे। और अब तुलसी जी की परिक्रमा जल चढ़ाने के लिए। सबसे पहले तुलसी जी की परिक्रमा हम रोज ही करते हैं।
और पुष्प स्नान कोशिश ये रहती है कि हम रोज़ ही करें, और लड्डू गोपाल को गर्म पानी के साथ पुष्प स्नान जो होता है वो ठंड के टाइम पे ज़रूर करानी चाहिए। तो पुष्प स्नान कराने के बाद हम बाकी का, इनके लिए गर्म कपड़े पहले से ही निकाल करके हमने रखे हुए हैं, और अब हम सबसे पहले पर्दा हटाएंगे। हम रात में हमेशा पर्दा लगा देते हैं, और अब पर्दा हटाने के बाद और फिर हम लड्डू गोपाल को गर्म पानी से निकाल करके, स्नान वो कर चुके हैं, अब उनको पोंछ करके उनको वस्त्र पहना लेते हैं। गर्म ऊनी कपड़े ही, कोशिश ये रहती है कि हर रोज़ एक अच्छे रंग में इनको पहना है, अच्छे से श्रृंगार करें इनका। अगर आप लड्डू गोपाल रखते हैं तो जितना हो सके आप उनका श्रृंगार करें, उनको अच्छे से वस्त्र पहनाएं, और चूंकि इस ठंड का समय है तो ऊनी वस्त्र ही हम पहनाते हैं। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद अब वो तैयार हो चुके हैं, और कुछ इस तरीके का रंग का हमने वस्त्र पहनाया हुआ है। और अब ये जल हमारी राधा रानी के लिए हम रोज रखते हैं, और चांदी के गिलास में हम अपने लड्डू गोपाल के लिए जल रखते हैं। लड्डू गोपाल के पास ये हमारी राधा रानी, हमारा पूरा परिवार एक साथ ही रहता है, और ठंड में हमने इन सभी जोड़ियों के लिए, हमारे प्रभु के लिए हमने शॉल बनवाई थी। और अब हम अपने लड्डू गोपाल के लिए दूध लेकर के आए हैं, और सबसे पहले जो सबसे पहला भोग लगता है वो दूध का ही लगता है, गाय के दूध। और ये पिलाने के बाद हम इसके साथ हमने बनाई थी जलेबी, तो हम जलेबी का भी भोग लगाएंगे थोड़ी देर में। आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।